हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के इस वीडियो लेक्चर में हम एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं और आज हमें देखना है एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 9.4। इस एग्जांपल में बहुत ही इजी एग्जांपल है, हमको डायग्राम के साथ इसको करना है। तो इसका जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे देखते हैं, फिगर्स ए एंड बी, यहाँ पे फिगर्स ए एंड बी शो रिफ्रैक्शन ऑफ अ रे इन अ एयर इंसिडेंट एट 60 डिग्री विद द नॉर्मल टू अ ग्लास एयर एंड वॉटर एयर इंटरफेस रिस्पेक्टिवली। ग्लास और एयर एंड वॉटर और एयर में एंगल ऑफ इंसिडेंट कहाँ पे है? 60 डिग्री। ये देख रहे हो 60 डिग्री, एयर में से इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे भी एयर में से इंसिडेंट हो रहा है और कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। अब हमको यहाँ प्रेडिक्ट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन ग्लास वेयर द एंगल ऑफ इंटर इंसिडेंट इन वाटर इज 45 डिग्री विद द नॉर्मल टू वाटर ग्लास। इसमें हमको वाटर और ग्लास में हमको रिफ्रैक्शन एंगल फाइंड करना है। ओके, अब इसमें ये जो डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है आपको सिर्फ उसको अच्छे से देखना है, समझना है। पहले हम इसको डिस्कशन करते हैं कि एयर में से ले जा रही है और वाटर में पास हो रही है, तो इसमें रिफ्रैक्शन कौन कर रहा है, कौन सा मीडियम रिफ्रैक्शन कर रहा है? तो जो मीडियम रे को बेंड करेगा वो रिफ्रैक्शन कर रहा है। अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये रे ऐसे स्ट्रेट चली जाती, पर ग्लास ने इसको बेंड करके इतने एंगल पे मोड़ दिया तो रिफ्रैक्शन किसका? ग्लास का। जो बेंड करने का काम कर रहा है उसका रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे बेंड करने का काम कौन कर रहा है? ग्लास। यहाँ पे यहाँ से आ रही है और बेंड करने का काम कौन कर रहा है? वाटर। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन कौन कर रहा है? ग्लास। तो मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर is equal to sin I upon sin R, angle of incident, angle of refraction. Sin I कितना angle बना रहा है? Sin 60 degree. Sin R 35 degree. Okay. Same यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे angle of incident 60 degree. यहाँ पे 47 degree. तो refractive index of water with respect to air sin I upon sin R, sin 60, sin 47 degree. अब हमको साइन 60 साइन 35 का वैल्यू रखना है, तो इसके लिए हम लॉगरिथम टेबल की जो बुक है वो यूज करते हैं। इसमें आपके पास भी होगी तो आप इसको अच्छे से यूज करना, देखना। ये नेचुरल साइन है, नेचुरल साइन में हमको यहाँ पे डिग्री दी हुई है, इसमें हमको देखना है साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये साइन 60 डिग्री, ए वाला ए पॉइंट जो है वो कितना दिख रहा है आपको? साइन 60 डिग्री। और उसके सामने वैल्यू कितना है? 0.8660. ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा 0.8660 साइन 60 का। सेम वैसे साइन 35, तो यहाँ पे साइन 35 है ये देख रहे हो, उसके सामने वैल्यू कितना है? 0.5736. ओके, तो यहाँ पे लिखा 0.5736। इन दोनों को डिवाइड किया तो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना मिला? 1.51। ओके, सेम वैसे इन दोनों का वैल्यू करके इन दोनों को डिवाइड किया तो ये वैल्यू मिला। अब फिगर सी उस पे जाते हैं, उसमें रेस कहां से एंटर हो रही है? वाटर में से। कहां पे पास हो रही है? ग्लास में। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका? ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास अपॉन वाटर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट टू और वाटर का एयर के विद रिस्पेक्ट टू हमने निकाला, कितना मिला? 1.51 एंड 1.80। इसको यहां पे रख दिया, दोनों को डिवाइड किया 1.275। ओके, अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई कितना? 45 डिग्री। साइन आर हमको निकालना है, ये हमको यहाँ से मिला। साइन आर को सब्जेक्ट बनाया, साइन 45 का वैल्यू रखा, इन दोनों को डिवाइड किया, ए इतना है। अब ए वैल्यू हमको इस टेबल में ढूंढनी है,
फाइंड करनी है, कहाँ पे दिख रही है वैल्यू। तो हमने इसको फाइंड किया तो हमको मिला 5548.5548। अप्रोक्सीमेटली कई बार आपको एग्जैक्टली वैल्यू मिल जाती है और कई बार आपको इसकी नियर वैल्यू लिखनी पड़ती है। तो 0.5548 उसके सामने आपको देखना है कितनी डिग्री है, 33 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने लिखा 33.7 डिग्री। तो ए आपको मिला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाटर और ग्लास के मीडियम। इस एग्जांपल में आपको अच्छे समझना है, कभी कभी एग्जाम में ये एग्जांपल पूछा जाता है, तो बहुत सिंपल एग्जांपल है। इन दोनों को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, इसका निकालेंगे और इन दोनों को इक्वेशन को डिवाइड करके, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड करके ये निकालेंगे और उससे ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आपको इस एग्जाम्पल को देखना है और नॉर्मल में नॉट निकालना है। थैंक यू।